तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, पिछले कई वीडियो के अंदर हमने भारत के कई बड़े सारे शहरों की ऐसी ऐसी जगहें देखी जहां पर कभी ना कभी आपको ज़रूर जाना चाहिए। आज का वीडियो डेडिकेटेड होगा पूरी रूप से राजस्थान की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर अगर आपको जल्दी से राजस्थान का टूर करना है तो कम से कम राजस्थान में ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से राजस्थान एक आता है, जहां आपको ठहरने के लिए बेहतरीन आवास की पेशकश होती है, जो आपका बजट भी माने। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है और ऐतिहासिक स्थान, महल और किलों के लिए प्रसिद्ध है। जब आप राजस्थान घूमने जाते हैं तो वहाँ देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कम से कम ज़रूर लिखिए। हो सकता है आपके पास ऐसी कोई जगह हो जिनके ऊपर वीडियो बन सके। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान का भ्रमण। सबसे पहले देखने लायक जगह है राजस्थान की खुद की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर। जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है, राज्य का प्रमुख केंद्र भी है। ये शहर सिटी पैलेस, आमेर किला, जंतर मंतर, बिरला मंदिर, हवा महल आदि जैसे कई धार्मिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, ये सारी बातें और सारे एक एक शहर के बारे में जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बनेगी। जैसे जंतर मंतर के ऊपर पूरा वीडियो, आमेर किले के ऊपर पूरा वीडियो, सिटी पैलेस, हवा महल, ऐसी बहुत सारी जगहों के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो होगा जो इन जगहों के बारे में समझाएगा। फिलहाल जल्दी से इस वीडियो में सिर्फ राजस्थान के प्रमुख जगहों के बारे में जान लेते हैं। आने वाली वीडियो देखनी हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। दोस्तों, अगली जगह आती है राजस्थान का अजमेर शहर। ये शहर दरगाह शरीफ के लिए प्रसिद्ध है, जो संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर शहर आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है क्योंकि यह स्थान उत्कृष्ट अरावली पर्वत की तलहटी में स्थित है। अगली जगह पुष्कर शहर है, जो अजमेर शहर से करीब 15 किलोमीटर ही दूर है, और यह जगह खूबसूरत रंगों से रंगे कैनवास की तरह है। पुष्कर झील वहाँ का मुख्य केंद्र है और यह स्थान हर साल ऊँट मेले की मेज़बानी करता है। पुष्कर में एक हिंदू मंदिर भी स्थित है जो पुष्कर झील के नज़दीक है। यह मंदिर हिंदू निर्माता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यह भारत में भगवान ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है। अगली जगह आती है माउंट आबू। राजस्थान का एक अनोखा हिल स्टेशन माउंट आबू है। यह स्थान अरावली पर्वतमाला में एक बड़े चट्टानी पठार पर स्थित है और पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है। माउंट आबू की जलवायु बहुत ही शांत और सुकून देने वाली है। माउंट आबू शहर के केंद्र में एक झील है जिसे नक्की झील कहा जाता है। यह झील पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है जहां आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। राजस्थान में अगली जगह देखनी हो तो चित्तौड़गढ़ जरूर देखें। बहुत पुराना चित्तौड़गढ़ शहर बेराज नदी के तट पर है। चित्तौड़गढ़ में घूमने के लिए कई जगह हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, कालिका माता मंदिर और रानी पद्मिनी का महल। अगली जगह आती है उदयपुर। लोग कहते हैं भारत के उदयपुर शहर में आए बिना आपकी छुट्टियां कभी पूरी नहीं होती। इस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में पिछोला झील सहित कई सारी झीलें हैं। एक शानदार ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानने और देखने के लिए आपको उदयपुर के कुंभलगढ़ किले को ज़रूर से विजिट करना चाहिए। उदयपुर शहर में सबसे अधिक घूमने वाले स्थान सिटी पैलेस, फतेह सागर झील, सज्जनगढ़ पैलेस, विंटेज कार संग्रहालय और एकलिंग जी का मंदिर है। दोस्तों, राजस्थान आए हो, ब्लू सिटी जोधपुर नहीं देखा तो क्या देखा। रॉयल्टी का एक अवतार जोधपुर शहर है। यहाँ मेहरानगढ़ किले जैसे कई शानदार महल हैं जो इतिहास की भव्यता को दर्शाते हैं। जोधपुर शहर को सन सिटी और ब्लू सिटी भी कहते हैं। अगली जगह है गोल्डन सिटी जैसलमेर। भारत का सुनहरा शहर जैसलमेर में शांत गड़ीसर झील, जैसलमेर का किला, रेत के टीले, मंदिर आदि जैसी बहुत सारी जगह हैं। जैसलमेर का किला 99 गढ़ों से घिरा एक विशाल गढ़ है। विशाल बड़ी दीवारें महाराजा के इस महल को अलंकृत करती हैं और कई जटिल नक्काशीदार जैन मंदिर भी यहाँ स्थित हैं। अगली शहर आता है अलवर शहर। जीवंत वनस्पतियों और जीवों वाला शहर अलवर का एक समृद्ध इतिहास है। यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व, करणी माता मंदिर और प्रेत बाधित भानगढ़ किला है, जहाँ घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब दोस्तों, एक और शहर के बारे में जान लेते हैं जो है राजस्थान का बीकानेर शहर। यदि आप राजस्थान की विरासत और समृद्ध संस्कृति के प्रामाणिक अनुभव का पता लगाने में रुचि रखते हैं तो आपको बीकानेर ज़रूर आना चाहिए। बीकानेर शहर ऐतिहासिक किलों और मंदिरों की बहुतायत का घर है और बीकानेर का करणी माता मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने चूहों वाली माता के नाम से। तो दोस्तों, ये था कुछ ऐसी जगहें जिनके बारे में आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर राजस्थान आए और इन जगहों पर नहीं घूमें तो शायद आपका राजस्थान का टूर पूरा नहीं कहा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए। स्पेशली आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कॉमेंट के अंदर लिखिए और उनमें ये लिखिए कि आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जिस पर वीडियो बन सकती है तो बहुत काम आएगी। बाकी वीडियोस के अंदर कोई सुधार के सुझाव लगते हों तो वो भी कमेंट के अंदर लिख दीजिए, उन पर काम करके हम खुद को थोड़ा और बेहतर कर लें
और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए एमएसपी क्रिएटर सबको सब्सक्राइब जरूर कीजिए।